हनुमानगढ़ ज़िले में 11 पॉजिटिव पूर्व में पाए गए थे, वे सभी धीरे धीरे कर ठीक हो चुके थे तथा हनुमानगढ़ ज़िला ग्रीन जोन की तरफ बढ़ता जा रहा था, परंतु इसी बीच दिल्ली पुलिस के कार्मिक के द्वारा हनुमानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव का केस नया दर्ज करवा दिया। क्या हनुमानगढ़ में नया 12वां कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस एरिए में कर्फ्यू लगाया गया है? कर्फ्यू के दौरान जिला कलेक्टर और एसपी व उसकी टीम के द्वारा आज कर्फ्यू क्षेत्र का दौरा कर जायजा लिया गया है तथा वहां की गई व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी जिला कलेक्टर व एसपी महोदया के द्वारा लिया गया है। नया सुरेशिया में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हम सभी की कोरोना रोग की हिदायतों की पालना करने के लिए जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, इसलिए हम सभी को कोरोना रोग के बचाव के लिए जारी की गई सभी हिदायतों का 100% पालन करने की ओर जाना चाहिए ताकि हनुमानगढ़ में और कोई नया कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आने वाले समय में भी नहीं पाया जाए। इसके लिए यह ज़रूरी है कि समय समय पर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी की गई हिदायतों को हम माने तथा घर के अंदर ही रहें, बिना कार्य के हम घरों से बाहर नहीं आए तथा मास्क पहनकर ही घर से निकलें और प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच में आवश्यक हो तभी घर से बाहर आएं। रात को 7 बजे बाद किसी भी सूरत में हम घर से नहीं निकलें तो हम सब मिलकर कोरोना की लड़ाई को जीतने में सहायक हो सकेंगे। इसलिए कलम न्यूज़ की तरफ से यही निवेदन है कि आप घरों के अंदर बने रहें। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैणी, हनुमानगढ़।